क्या आपने कभी अंगूर खाए हैं? 7.5 लाख के, हरे रंग के नहीं बल्कि लाल रंग के। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स बिना नंबर की गाड़ी चलाते थे? क्या आपको पता है कि डोरेमोन आज कितने साल का हो गया? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, प्याज काटते वक्त आँखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते? ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए हमारे जो टीयर गिल्ड्स यानी आंसुओं की ग्रंथियाँ होती है वो प्रभावित नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत काम के हैं। एशंट ग्रीक और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। उनका मानना था कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफ्यूगल प्रॉपर्टीज होती है जो घावों को साफ रख सकती है और इन्फेक्शन होने से रोक सकती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि माचिस और लाइटर में से सबसे पहले आविष्कार किसका हुआ था, तो शायद आप कहेंगे कि माचिस का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले हुआ था। लाइटर का आविष्कार 1823 में हुआ था और माचिस का आविष्कार जॉन बाकर ने 1827 में किया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे पौधे हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, जिससे सिर्फ छूने से ही इंसान की मौत हो सकती है? ऐसा ही किलेट्री नाम का पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम हेरिकेलम मेटागेजियनियम है। अगर इन पौधों को कोई इंसान छू लेता है तो फिर उसके हाथ पर छाला पड़ जाता है और 48 घंटों के भीतर ये पौधा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है, और आगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, हम जानवरों को देखने के लिए जू में जाते हैं और वहाँ पर जानवर पिंजरे में बंद होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे जू के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर इसका उल्टा होता है और वहाँ पर जाने वाले लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक जू चीन में स्थित है जहाँ पर जानवरों को तो खुला छोड़ दिया जाता है और लोगों को पिंजरों में कैद कर दिया जाता है। इस जू का नाम लेह लेदू वाइल्ड लाइफ जू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जानवर खुलेआम घूमते हैं और घूमने वाले व्यक्तियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर घुमाया जाता है। चीन के चोंगपिंग शहर में ये अजीब जू स्थित है। कभी कभी ये जानवर इतने पास आ जाते हैं कि ये पिंजरों के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो ये हमें खा जाएंगे, इतना डर लगता है, और लोग इन्हें पिंजरों से खाना भी खिला सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, स्टीव जॉब्स को तो आप ज़रूर जानते होंगे जिन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वे अपने कार को बिना नंबर प्लेट के चलाते थे। ऐसा उन्होंने एक ही बार नहीं किया बल्कि वे हमेशा बिना नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। उनके पास मर्सिडीज SL55 AMG थी जिस पर उन्होंने कभी नंबर प्लेट नहीं लगाई। सबसे खास बात तो ये है कि उनको कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा और उन पर कानून तोड़ने का भी कोई आरोप नहीं लगा। आखिर ये सब कैसे हुआ? दरअसल स्टीव जॉब्स ने कैलिफोर्निया व्हीकल लॉ की छोटी सी मिस्टेक का फ़ायदा उठाया। कैलिफोर्निया के व्हीकल लॉ में ऐसा था कि किसी भी नई गाड़ी पर 6 महीने की छूट दी जाती कि वह बिना नंबर प्लेट के भी रोड पर गाड़ी चला सकते। तो स्टीव जॉब हर 6 महीने में अपनी कार को बदल देते थे और इसकी वजह से उन्हें कभी कार पर नंबर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे भी खास वजह थी। स्टीव जॉब चाहते थे कि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगाई। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी लाल रंग का अंगूर खाया है? तो आप कहोगे कि लाल रंग का तो अंगूर ही नहीं होता, अभी तक आपने सिर्फ हरे और काले रंग के अंगूर ही देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाल रंग का भी अंगूर होता है। इस लाल रंग के अंगूर के एक गुच्छे की कीमत
7.5 लाख रुपए होती है। इस अंगूर की किस्म का नाम रूबी रोमन है। एक अंगूर का वजन 20 ग्राम होता है, जो कि 24 अंगूरों का एक गुच्छा होता है। ये अंगूर की प्रजाति जापान के इशिकावा शहर की सरकार ने बनाया था। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। किसी कंपनी ने इस अंगूर को 7.5 लाख रुपए में खरीदा था। फैक्ट नंबर 8, डोरेमोन को कौन नहीं जानता। हम सभी ने इसे बचपन में बहुत देखा है और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आता था, लेकिन आज डोरेमोन 51 साल का हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल डोरेमोन की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन तब ये टीवी पर नहीं आता था। इसकी सिर्फ कॉमिक बुक आती थी, महंगा कॉमिक बुक सीरीज आती थी, और ये महंगा सीरीज 23 जून 1996 में ख़त्म हो गई थी, और ये महंगा सीरीज लगभग 27 साल तक चली। डोरेमोन का एनिमेटेड रूप 1973 में पहली बार टीवी पर आया, और ये इसकी टीवी पर पहली सीरीज थी, और इसकी दूसरी सीरीज 1979 में आई थी, और इसकी तीसरी सीरीज 2005 में बनना शुरू हुई थी। अगर इस हिसाब से देखें 1969 से 2020 तक डोरेमोन 51 साल का हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि डोरेमोन बूढ़ा हो गया, वो तो सिर्फ एक रोबोट है, वो कैसे बूढ़ा हो सकता है। डोरेमोन की शुरुआत हुए 51 साल पूरे हो चुके हैं। आप जो बूढ़े डोरेमोन की तस्वीर देख रहे हो, वो सिर्फ किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई तस्वीर है। इसका रियल डोरेमोन से कोई लेना देना नहीं है कि डोरेमोन बूढ़ा हो गया, वो तो सिर्फ एक रोबोट है। डोरेमोन दो शब्दों से मिलकर बना, जो कि है डोरा प्लस इमोन। डोरेमोन का मतलब होता है आवारा बिल्ला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।